संत गाड़िए संगठन के, समाज के, संत गाड़िए के मिशन के लोगों से मेरा एक सवाल है। तमाम संत गाड़िए के नाम से संगठन बनाए गए, कुछ ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, कुछ जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। मेरा भी मानना है छोटे छोटे टुकड़ों में काम होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी आबादी है। विशेष तौर से दलितों में हम तीसरे नंबर की आबादी पे आते हैं, और बाबा साहब संत गाड़िए का मिशन, ज्योतिबा फुले का मिशन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को हमारे समाज के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ये इतिहास है आपका। जब जब आपके समाज ने अगुवाई ली है, तब तब हमने सरकारें बनाई और बिगाड़ी है। आज कुछ चाटुकार लोगों के बदौलत, कुछ समाज में तीतर प्रजाति के नेता पैदा हो गए, जो अपने समाज को बहेलिया के जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं और समाज का लंबा नुकसान हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, जितना अत्याचार हमारे समाज के ऊपर इस सरकार में हो रहा है, इतना संभवता किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। आपके समाज के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जीत के गए और उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। 2019 का मामला है, जब लोकसभा में टिकट के बंटवारे की बात हुई तो आपको नेग्लेक्ट कर दिया गया, आपको भुला दिया गया और आपके ऊपर आपके समाज की हत्या, समाज की लड़की के साथ बलात्कार और समाज के गांव में आग लगाने का काम इस सरकार के नुमाइंदों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्षों से, जो भारतीय जनता पार्टी की चौकीदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके मुंह से यह आवाज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने क्यों नहीं निकलती है? आज राज्यसभा टिकट के बंटवारे की बात हुई, निषाद बिरादरी जो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पाई जाती है उसको विधानसभा की जगह राज्यसभा मनोनीत करने का, चुनाव लड़ने का, जिसके वोट लिमिटेड है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, टिकट उसको दे दिया गया। हमारे समाज के उन राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुंह से आवाज नहीं निकली। कल लखीमपुर खीरी में हमारे यहां समाज की 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी आंखें तक निकाल ली गई। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे में 50% से ऊपर धोबी समाज के लोग पदाधिकारी हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। टिकट लेना तो बहुत दूर है, राज्यसभा जाना तो बहुत दूर है, लोकसभा का टिकट मांगना बहुत बड़ी बात है। जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलने की भी हिम्मत हमारे समाज के उन राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुंह में नहीं है, एससी मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनके मुंह में नहीं है। राष्ट्रीय सचिव से लेके विधानसभा अध्यक्ष तक तो भी समाज का है, किसी भी एक नेता के मुंह से आवाज नहीं की। ऐसा कब तक होगा? भाइयों जागो, जहां सम्मान मिले, जहां बाबा साहब संत गाड़िए का विचार मिले, जहां बाबा साहब संत गाड़िए की मूर्ति की पूजा हो, जहां बाबा साहब संत गाड़िए के विचारों के आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम हो, ऐसे लोगों के साथ चलने का काम करिए। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, समाज सशक्त हो जाएगा तो समाज की तरक्की और एकता की मिसाइल कायम होगी। सारे समाज के मुख्यमंत्री बन चुके, आप केवल अपनी लड़ाई इसी में लड़ रहे हैं कि हमको विधायक बना दो, हमको सभासद बना दो। लोकसभा और राज्यसभा की बात तो बहुत दूर है, और जो अत्याचार हो रहा है उसमें आप सफाई दो कि नहीं भाई, नहीं हम सरकार में हैं, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस अत्याचार को रोकेंगे
आज पिछले 4 महीनों से लगातार आपके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप केवल मूक दर्शक बने हैं और समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप होशियार हो जाइए। समाज के लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो आपके समाज के लिए लड़ाई लड़े, जो संघर्ष करे, आप उसके साथ जाइए। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ आइए और कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर कांग्रेस आपको सम्मान दे रही है तो कांग्रेस को ही ज्वाइन करिए। समाजवादी सम्मान दे रही है तो समाजवादी को ही ज्वाइन करिए, क्योंकि समाजवादी इसलिए कटघरे में खड़ी है कि धोबी समाज का एक भावी विधायक मारा गया और अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकली। वही एक यादव मारा गया, अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए भेज दिए। आकलन करिए आप समाज का और इन राजनीतिक दलों का, और फिर सोचिए, फिर बताइए। ये मैं वीडियो डाल रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में आके आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं उसको सुधार सकूं।